गाना तो अभी ऐसा बोल सकते हैं कि आई गेस सागर ने पहली बार उसके दिल में ये गाना पक्का बजा होगा अवनी को देख के। मेरा दिन भी तू, मेरी शाम तू, मेरे रातों के सपनों में तू, मेरी आहटें तेरा नाम ले, ये बात तू मान ले। 100 साल का मेरा एक दिन हो जिसमें तेरी तस्वीर ना हो, बेरुत सी है मेरी ये जिंदगी जिसमें तेरी खुशबू ना हो। मेरी पहली मोहब्बत, पहली मोहब्बत है तू। हाय गाइस, व्हाइल रिकॉर्डिंग दिस मुझे सिर्फ और सिर्फ YJHD वाला वो सीन याद आ रहा है जब नैना इज रेजिंग अ टोस्ट टू अदिति एंड आई डोंट नो व्हेन हाउ व्हाई वी बिकेम सच गुड फ्रेंड्स बट अवनी यू हैव स्टूड बाय मी व्हेन नोबडी वाज स्टैंडिंग थ्रू माय डिफिकल्ट टाइम्स एंड आई हैव ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट फॉर यू फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर बीइंग द अदिति टू माय नैना एंड सागर प्लीज टेक केयर ऑफ हर शी इज रियली वेरी प्रेशियस टू मी and I wish all love, happiness and success to you both. Thank you. So where do I start? Like it's from being enemies in standard 9th to being best friends by the time we came in college and sharing all ups and downs together and you know facing all the moments together. This is the time now we are getting married also in the same phase. So I wish you all the luck for your future married life. So हमारे ग्रुप में सिर्फ एक ही लड़की है जो बहुत ड्रामा करती है एंड दैट्स व्हाई हर नेम इज ड्रामा क्वीन। इट्स बीन 10 इयर्स सिंस वी आर टुगेदर इन दिस, लाइक फ्रॉम कॉलेज वी आर टुगेदर एंड राइट नाउ इट्स अ न्यू फेज, इट्स अ न्यू लाइफ जर्नी फॉर हर, अ न्यू बिगनिंग। सो आई विश हर ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक टू हर। हमारी फ्रेंडशिप की तो शुरुआत ही बहुत रिसेंट हुई है और आई विश के उसकी लाइफ भी बहुत अच्छे से चले। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं फॉर हर। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर वेडिंग एंड कंटिन्यू टू डू योर ड्रामा। अवनी और मैंने बचपन में बहुत मस्तियाँ की है बट शी यूज टू ऑलवेज पुल माई हेयर एंड ऑलवेज टेक अवे ऑल माई टॉयज बट वी ऑलवेज हैड अ वेरी गुड बॉन्ड। In my childhood, she used to bully me a lot, but even after all this, our bond has never changed. And when it comes to me, she always used to take ugly pictures of me on Snapchat. But even after all this, we love you. We are parents for life. So it started last end of November only at this time. So we spoke on messages. And then we were not sure of meeting, but then we made a point that we'll meet. And he said that we'll take things slow. So I was like, okay, we'll take things slow. But then randomly, after meeting, maybe twice only, he said that, dude, you're fine for me. I'm like, I'm to fine only, chalega, meko kuch bhi chalega. So he's like, you meet my parents, and then we'll just say yes. So I'm like, okay. And then for a week I had to travel to Pune. So I was not going to meet him. But he made a point to call me, ask me whether I reached or not. He also got up at 4 a.m. for me. So then I also knew that he's the one. He's going to be with me forever and that's it. So that is how it started. The major change that is going to happen is I'm going to leave my house and my comfort zone. Like, my house is my comfort zone. I get up, aram se, do my stuff. There I'll have responsibilities.
सो दैट इज व्हाट इज गोइंग टू चेंज. यहाँ पे तो घर पे मम्मी ये नहीं मिल रहा है ढूंढ के दो, दैट इज दैट. एंड वहाँ पे आई विल हैव टू बी श्योर अबाउट द थिंग्स वेयर आई एम कीपिंग एंड एवरीथिंग. सो दैट्स गोइंग टू चेंज. Mom and dad, I'm going to miss a lot, especially my mom. Emotional support that I get from dad is what I'll miss. Then I'll have to call them and ask them. ऐसा एक नहीं है, बहुत सारे, मतलब वो एवरीडे का रोज का है इसका. एक ये चीज है तो एक दिन में कुछ ऐसा हो जाता है कि नहीं ये तो है, लाइफ टाइम रहेगा. दूसरे दिन दूसरा आ जाता है, ये लाइफ टाइम रहेगा, वैसा है. और उसका ऐसा नहीं मम्मी है तो ये ऐसा ऐसा इतनी छोटी छोटी जो चीज़ें होती ना वो भी वो मेरे साथ शेयर करते हैं. अवनी को मैं स्पेशली ये बोलना चाहता हूँ कि जैसा फीलिंग उसने यहाँ पे हम दोनों के साथ शेयर किया है, द सेम फीलिंग और सेम चीज़ें वो वहाँ पे भी शेयर करें और वहीं से भी वहाँ से भी उनको उतना ही प्यार मिलेगा, उतना ही रिस्पेक्ट मिलेगा. और सागर को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जैसे मतलब अवनी का नेचर है, शी इज वेरी इमोशनल, तो वो उसको मतलब जितना बोलते ना कि उसने सोचा भी नहीं रहेगा ना, उससे ज़्यादा उसको ये पार्टनर मिला है कि भाई उसको पूरी लाइफ में कभी भी उसके साथ में जैसे वो मेरे साथ बेस्ट वो उसके साथ रुकता है. वेला मिलन नहीं आवी छे वेला किधा मैं मानो ना टेड़ा रे जान जोड़ी ने आव्या रे राजा रानी रूपाला ने ले Honestly, I want to say I love you a lot. We'll do everything together and we'll take care of everything together. This our life will be the best from tomorrow. And thank you for being in my life.